नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हो उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा दीक्षित। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल में शनिवार को बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और परिजनों को समझा बुझा कर मनाने का प्रयास भी किया। सैयद राजा थाना क्षेत्र के सुंदरा निवासी राजा बाबू की पत्नी अनीता चौहान को जिला अस्पताल में ही 18 जून को ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था। पूरा मामला जिला अस्पताल में आए थे, हमारे बच्चे को थोड़ा बुखार आ था, हम इसीलिए लेकर आए थे, तो बच्चा हमारा सही हो गया, ठीक ठाक हो गया था, छुट्टी होने वाली थी। और रात में जो थोड़ा दुख जो होगा था और जो नर्स रहती थी उससे और हमारे वॉचमैन थे आई लोग के लोग बोल रही, इसी में ये लोग बोले कि अपने बच्चा के लिए तुम्हारे बच्चे का भागीदार में देखो, लोग कोई चीज़ होगा जिसकी भागीदार हम नहीं हैं। हम तो क्यों नहीं भागदार है, जिला अस्पताल में किसी आए हैं, इसीलिए आए हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। यही सब हुआ, बच्चों को हमारा 8 बजे तक ठीक था, 8 बजे के बाद और अंदर वो लोग दरवाजा बंद करके क्या किया क्या नहीं किया, हमारा देखो 5 मिनट के अंदर भी उसका दम घुट कर गया। क्या आपका आरोप क्या है, क्या लग रहा है? यहाँ पर जो ड्यूटी करती है जो डॉक्टर यहाँ पर रात नाइट में ड्यूटी नहीं करती, छोटी छोटी नर्स नया नया नर्स आए हैं, ये लोग को जानकारी नहीं है, कुछ इंजेक्शन उल्टा सीधा देकर मृत्यु का दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हमें हमें न्याय चाहिए। अभी तक अभी आप किसकी शिकायत की है इसको, शिकायत की है किससे, किए किस अधिकारी से अभी तक की? क्या कुछ घटना चल रहा है? घटना ये थी कि बच्चा एकदम रोगी था, हम लोग इसके पहले ही बच्चा एडमिट था 27 तारीख, 8 दिन भर्ती था, फिर डिस्चार्ज, फिर उसके बाद 8 तारीख को फिर कंप्लेन कर दी कि बुखार है, बच्चा निकल रहा है। उसके बाद जो है दोबारा लैब से दोबारा हम लोग एडमिट किए और आज 5वां दिन था, ट्रीटमेंट चल ही रहा था और ये 8:15 बजे की घटना है। माँ बच्चा रो रहा था दूध पिलाने के लिए और माँ आई दूध पिलाने के लिए, जैसे दूध पिला के बच्चे को लेटा के गई है, 2 मिनट के अंदर क्योंकि स्टाफ भी मौजूद थे, डॉक्टर भी मौजूद थे, उनके सामने ही बच्चा जो है दूध उल्टी किया एक्सपायर्ड। फिर हम लोगों ने या जो डॉक्टर स्टाफ ने सब मिल के कोशिश किया बचाने की, लेकिन दूध ऑलरेडी उसके फेफड़े में जा चुका था बच्चे के। हम लोग की कोशिश के बाद भी जो है 20-25 मिनट हम लोग सभी लोग जो है मेहनत किए बचाने की, लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। परिजन तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आरोप है ये तो 8:30 बजे अगर बच्चा ठीक है तभी माँ दूध पिलाई होगी, भाई माँ तो दूध पिला के अच्छे से संतुष्ट होकर गई तो बच्चा ठीक रहा होगा तभी दूध पिलाई। तो आरोप यही है कि हमारे जाने के बाद ये घटना हुई तो ये लापरवाही है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, SNCU डिपार्टमेंट की लापरवाही। ये देखिए, ये अनफॉर्चुनेट होता है कि जैसे बच्चे कभी कोई माँ दो ना, हम लोग कहते हैं कि थपकी देना है, लेकिन कभी कोई माँ थपकी नहीं देती है, ढेकार नहीं दिलाती है, उसके बाद लेटा देती है, तो कभी कभी बच्चा जो है या जैसे ज़्यादा दूध माँ पिला दी तो वो जो है दूध बच्चे जो ओमिट करते हैं तो फिर लेटे रहते हैं बच्चे, तो तुरंत फिर भी चला जाता है। तो यही तो इसी तकनीकी समस्याओं के लिए तो SNCU बनाया गया है। तो स्टाफ की नियुक्ति नहीं थी क्या उस समय यहाँ पे? स्टाफ के यहाँ परमानेंट यहाँ स्टाफ नहीं थे उस समय? नहीं, परमानेंट स्टाफ थे, ये दो बस दूध पिलाने के लेटाने के 2 मिनट की कहानी है। हम लोग कोशिश किए बचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेट भाई जा चुका था फेफड़े में। ये बच्चा हमारे स्टाफ में जो डिलीवरी हुई थी 25 तारीख को भर्ती हुआ था पिछले महीने, और सीरियल से डिलीवरी हुई थी, बच्चा उसमें बहुत क्रिटिकल था और वो सीपीसीमी में था, हाइपर पायरेक्सिया में था, और डिलीवरी होने के तुरंत जो है 2 घंटे बाद SNCU में आ गया था बच्चा, यहाँ पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद बच्चा ठीक होके 2 तारीख को फिर चला गया था, डिस्चार्ज हो गया था। पुनः है 7 तारीख को बच्चा पायरेक्सिया और दूध न लेने की शिकायत से और यहाँ प्रॉपर इलाज चल रहा था, बच्चा ठीक हो रहा था। और आज सुबह जो है 8:15 पर माँ ने इसको दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद जो है उसको निकाला, निकालते ही जो है तो दूध जो है उसके सांस गली में एस्परेट कर लिया, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। तत्काल डॉक्टरों ने उसको देखा, उसको जो भी ट्रीटमेंट था वो किया और लेकिन बच्चा जो लाख कंडीशन में बहुत अच्छे नहीं पाया और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तो अब इसके लिए हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और इस बच्चे का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो भी निकल के आएगा और जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा, जो भी कंडीशन से जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई।
झज्जर के गांव मात नहल के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामला सामने आया, सड़क हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के मकान में खीरी घाट में रह रहे युवक को दबंग और मनमर्द द्वारा पहले घर में घुसकर हमला किया गया और फिर जबरन अपहरण कर साथ लेकर चल दिया। 22 घंटे के करीब हो चुका है लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। बस्ती सदर कोतवाली के पिकौरा दत्तू राय में दिनदहाड़े युवक के अपहरण से सनसनी फैल गई। आपके आवास पे कितनी की संख्या में लोग आए थे? आज दोपहर करीब 1:30 बजे मैं ऑफिस पे था, मुझे मोहल्ले के लोगों के द्वारा सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा आपके घर पे तोड़फोड़ की जा रही है और कोई लड़का आपके यहाँ रहता है मोहित यादव, उसका अपहरण किया जा रहा है। मेरे द्वारा मौके पे आया गया तो कमरे में तोड़फोड़ हुआ था और मोहित नहीं था। तत्पश्चात मेरे द्वारा 112 पे कॉल करके सूचना दी गई। क्या पता चला कौन लोग थे? अब जिसमें से सुनने में आ रहा है, वीडियो भी देखा कि वो क्या कहते हैं, चार लोग का नामजद बताए लोग अगल बगल के, आदित्य विक्रम सिंह थे क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष हैं APNDV कॉलेज के, और सत्यम कसौधन गुप्ता डिस्ट्रिक्ट बस्ती, पुलकित गर्ग और मोनू, ये चार लोग थे और भी 25-30 लोग थे। ये मनमर टाइप के लड़के हैं। इसके पहले भी घटना शायद इसके साथ कर चुके हैं। थाना क्षेत्र के पिकौरा दत्तू राय मोहल्ले में एक लड़का जिसका नाम मोहित यादव था, उम्र करीब 18-19 वर्ष थी, वो किराए पर रहता था। उसके साथ कुछ लोग जो संभवतः उसके पूर्व परिचित थे वो उसके कमरे पर आए जहाँ वो रहता था, वहाँ उसके साथ मारपीट या गाली गलौज की घटना की और अपने साथ उसको बाइक पर ले गए। इस संबंध में मकान मालिक की तहरीरी सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा इसमें विशेष टीमों का गठन करके जो भी मोहित यादव जो अपने साथ ले गए हैं उसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। जो भी संबंध में साक्ष्य प्राप्त होता है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उस आधार पर पुलिस सतर्कता के साथ अपनी कार्रवाई कर रही है, यथाशीघ्र इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। एक मोहित लड़का है, उसको दोपहर से कुछ लोग CCTV फुटेज में भी आया, कुछ लोग जहां वो किराए के मकान पे रहता था वहां से आकर के जबरदस्ती उठा के ले गए और अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने जो है अज्ञात में क्या नाम है अपहरण का और जो भी धाराएं बनती हैं इसमें पुलिस ने मुकदमा लिखा है और उन लोगों की तलाश हो रही है। चूंकि अभी तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई है तो जब तक बरामदगी नहीं होती है तब तक अभी क्या कहा जाए, क्या सस्पेक्टेड भी लग रहा है आरोप है। अब देखिए अभी दोपहर से बच्चा गायब है और जिन लोगों के ऊपर जिन लोगों पे शक है या जिन लोगों का CCTV फुटेज में जो है चेहरा है, पुलिस उन लोगों पे लगातार दबिश दे रही है, उनके परिवार के परिजनों को, उनके जानने वाले लोगों को भी जो है लेके आ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे जिन लोगों का CCTV फुटेज में है या जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तब तक कोई बात नहीं कही जा सकती। आपको क्या आश्वासन मिला है, कितने घंटे में चले? IG साहब ने और जो है कप्तान साहब ने दोनों लोगों ने कहा कि पुलिस काम कर रही है और बहुत जल्दी सुबह तक जो है इसका कुछ न कुछ जो भी है वो निर्णय पे पहुंच जाएंगे। गाजीपुर के नगर के आलमपट्टी चौराहे के पास एक मैरिज हॉल की घटना है जहां बारात के दौरान चली गोली से दोनों पक्षों के आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए गए जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हालत गंभीर देखते हुए उन्हें BHU ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया लेकिन फिर भी अभी घायलों में एक की भी हालत गंभीर बताई गई है। सर कोतवाली थाना क्षेत्र में बारात आए थे, उसमें पूरा मामला क्या है? देखिए रात में बिरनो थाना क्षेत्र से कोतवाली थाना अंतर्गत RP पैलेस में एक बारात आई थी जिसमें DJ पर नाचने के लिए कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद के क्रम में एक वधू पक्ष से आए एक मेहमान द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ फायरिंग की गई है
उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, दो लोग चिन्हित भी किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। मजरूबों की स्थिति सामान्य है, कहीं कोई उनको गंभीर चोट नहीं है और हम इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास पर करोड़ों रुपए के प्लाट पर कब्जे को लेकर गैंगवार का मामला सामने आया। गोलीबारी के मामले में शामिल दोनों पक्षों के 5 लोगों का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त हो गया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को रिपोर्ट भेजी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट अयोध्या पहुंची और रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या आए हैं। भगवान राम लल्ला से यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल रहे। लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। अब देखिए विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। हाँ, तो हम लोग मामा गांव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहाँ भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आज हम लोग सबरी का बेर भी लाए हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए वहाँ का जल भी लाए हैं, वहाँ का चावल भी लाए हैं और कई तरह के। आगरा में पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार लोगों को पैसे का लालच देकर टप्पेबाज कोरा कागज थमा देते थे। पुलिस ने शातिर टप्पेबाजों के पास से 26,000 रुपए, एक बैग, एक लफाफे का बंडल, 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन समेत 5 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वही पुलिस ने बताया कि गैंग के मास्टरमाइंड पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही डीसीपी सिटी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 नगद इनाम भी दिया। कराना है कि थाना कमरा नगर, एसओजी नगर तथा सर्वेलेंस नगर टीम द्वारा एक टप्पेबाजी का ग्रोह का पर्दाफाश किया गया है। इस ग्रोह में टोटल 5 लोग हैं। इसका मेन मुखिया जो है कुलदीप नाम का व्यक्ति है। इस कुलदीप के ऊपर टोटल 17 मुकदमे हैं जो सारे टप्पेबाजी के हैं और बाकी सभी लोगों के पास के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि ये 5 में से 2 लोग ये जो लिफाफे हैं टिकट वाले, इनके पास ये टिकट के लिफाफे देते थे और बाकी जो 3 लोग थे वो जनता में जाके मिल जाते थे और वो जाके ये टिकट लेते थे और जनता को ये भरोसा दिलाते थे कि वो भी जीत सकते हैं इनकी तरह। इनके पास 2 टिकट के बॉक्सेस थे जो इस बैग में, तो जो ये अपने इनके 3 लोग हैं इनमें ये लोग अपना टिकट का पैसा लगाकर 2 गुना या 3 गुना कमाते जीतते थे उसमें। जैसे कि 100 रुपये लगाए तो 1,000 रुपये या 5,000 रुपये जीते। जनता ये देख के अपना सारा सामान लगाती थी, कभी सोना भी लगा देती जनता की। तो इस तरह की टप्पाबाजी करके ये लोग आम जनता को लूटते थे। हाँ, इन पर दर्जनों मुकदमे हैं जिनमें इनका एक मेन मुखिया जो है कुलदीप, उसके ऊपर 17 मुकदमे हैं। बिल्कुल, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इसी संदर्भ में डीसीपी सिटी महोदय द्वारा इस टीम को, कमलनगर टीम को 25,000 रुपये से इनाम से पुरस्कृत किया गया है और एकदम गैंगस्टर करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये सब आगरा के रहने वाले 5 लोग, अब हम इन पे आगे की आवश्यक। बहराइच के जंगल सटा हुआ सोमई गौड़ी गांव है जहां पर 14 वर्षीय कैलाश जब खेत पर गया तो वहां मौजूद तेंदुए ने किशोर पर हमला कर दिया। किशोर ने अपने बचाने के लिए संघर्ष किया लेकिन तेंदुए ने बालक को मार डाला। डीएफओ बी शिवशंकर ने बताया कि मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। फिलहाल
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजेश, कहाँ के रहने वाले हो? कैराती पुरवा। हाँ ना? ईशानगर। कौन है मिलते का तुम्हारा? भाई है मेरा। क्या नाम था? अरविंद। क्या उम्र थी? लगभग 13-14 वर्ष। अच्छा, कैसे मौत हुई, कहाँ गया था? बाघ मार दिया इसको। कहाँ गया था? घर से टॉयलेट के लिए निकला हुआ था, मकाई बिल्कुल जस्ट मौके से लगी हुई है घर के, वहीं से निकला और इसको मार दिया। कहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया? घटना सरसुमाई गोड़ी की है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के गांव भोजपुरवा पहुंची विधायक केतही सिंह का गांव वालों ने विरोध किया। विधायिका के काफी समझाने के बाद भी गांव वालों ने विधायक की बात नहीं सुनी। वहीं विधायक ने कटान पीड़ितों को सरकारी स्कूल में अस्थायी तौर पर रहने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि गांव में सरकारी जमीन पर विस्थापित बसाए जाएंगे। विधायक अभी यहाँ पे आई है, क्या है मामला और किन मुद्दों को लेकर ये लोग आपके साथ बैठक हुई? देखिए, ये भोजपुरवा गांव है और माँ सरजू के नदी के बहुत समीप ये गांव था। पिछले कुछ सालों से यहाँ कटान की व्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है, नदी इस तरफ आती जा रही थी अपने पुराने रास्ते पर। इस साल, पिछले साल भी कटान की स्थिति बनी थी, तो हम लोग ने यहाँ पर कटान विरोधी काम कराया, जिससे कि उस समय ये गांव बच गया। परंतु फिर इस साल फिर धार तेज है, नदी का पानी बढ़ गया है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस गांव के अंदर इस वक्त माता सरजू का प्रवेश हो सकता है। तो इस नाते आज हम लोग यहां पर आए हैं। मैं हूं जिले से एडीएम साहब हैं, तहसील से एसडीएम हैं। हम सब लोग यहां पर आकर और कैसे इस गांव के निवासियों को हम लोग पुनर्स्थापित कर सकते हैं, अभी वर्तमान में जो इनकी परेशानी है, इनके सामान रखने की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था, इनके सोने की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे। अब तो कितने गाँव जो आसियाना है उधर चुके हैं? अभी टोटल अपने टोटल परिवार तो यहाँ 350 के तकरीबन है, परंतु जो हम लोग की सूचना है, अभी 15-20 लोगों ने ही अपने घर ऐसे हैं जो अपने हाथ से अभी तोड़े हैं। अभी कोई ज्यादा की संख्या नहीं है, परंतु ये संख्या बढ़ सकती है, उसके नाते हम लोग प्रिकॉशनरी स्टेप यहाँ उठा रहे हैं। इनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? अब इनके लिए सबसे पहली व्यवस्था तो ये है कि इनका सामान हम लोग कहीं सुरक्षित स्थान पर रखवाएं, जो कि यहाँ पे विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, वो 2-3 विद्यालय यहाँ पे खुलवाए जा रहे हैं और वहाँ पे इनको रखा जाएगा। उसके बाद इनकी भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, उसके लिए प्रशासन की तरफ से राशन के साथ, सब्जियों के साथ, तिरपाल के साथ इन लोगों को पैकेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि ये रह सके। और फिर भविष्य में इनको स्थापित करने के लिए भी चर्चा चल रही है कि किसी गांव में जहां जमीन ग्राम समाज की खाली हो, वहां हम लोग इनको स्थापित करें। लेकिन देखा जा रहा है मैम कि बाढ़ विभाग तो काम करती है, लेकिन वो पानी में भी बह जाती है, इस तरह का काम होते हैं तो उसको कम से कम ठोस उपाय किए जाते हैं कि कटान ना हो। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि हर जगह बाढ़ के काम ऐसे होते हैं। आप यहीं पे चले जाइए, कुछ दिन पहले आप यहाँ ककरघट्टा गांव है, वो पूरा डूबने के कगार पर आ गया था। ये 3-4 साल पहले की बात है, लोगों ने सीधा अपने घर तोड़ने शुरू कर दिए थे, परंतु जब वहाँ पे कटान विरोधी काम हम लोग ने कराया, तब से वो गांव सुरक्षित है, वो उसी तरह है। अभी रेंगहा में काम चल ही रहा है। अभी आप यहाँ पे आपने देखा, पिछले साल भी हमने कराया, तो पिछले साल भी कटान यहाँ पे रुक गई, नहीं ये गाँव जा पाया। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कहीं पे। देखिए, पानी है, पानी का धार रहता है, पानी किस तरह से बढ़ता है। ठोकर मतलब जमीन देते नहीं, जमीन बस बस जाके हम पानी में रह जाए, हम दहब जाए, बहुत जाए, हम जमीन दीजिए करो, जमीन से गुजर भोखो, जमीन दी हमने कहा ठोकर से नगर मतलब। आखिर क्यों विरोध कर रही थी, विरोध क्यों कर रही थी? विरोध कहे ना हुई, जब ढाई बता उनका विरोध ना कर जाए, ना भोजन का ठीक बा और ना इसी का ठीक बा, कहे ना करो ये आई ना पानी ठीक ना किया, इसलिए आप विरोध कर रही थी? कहे ना विरोध कर रहे हैं, ठोकर ना बने, हमने जमीन कर दी वोट के लिए, हमने कहन क्या कौन है ना कौन सा है, हम लोग पानी में बन आ जाए। तो विधायक जी आई थी, नदी पे भी नहीं गई, कहन ना कहन ना नदी को कहन ना कर दे, कहन जगह देख, 2 साल से तो ये कि ड्रामा जीवन नहीं खे और लगा भाई 10 लोग कहे विधायिका जी के विरोध कहनी है, सब कहे ना विरोध करी पर वो आके कोके गोली फेन यही तरफ फेन अथी भइल, तो वोट के पैसे में ये भइल वीडियो भइल, तब ना कुछ बुझाई, मैं ऑटो दे दे हन के पानी में दहवा दे सब अपने सामने। हां, अपने सामने हम तो टप टप कूद जाए, मैं आई ले चल गई है, असल में आई ले चल गई है, जैसे ना देख ले का ना देख ले का ना तो कर ले चल गई, ठोका सुता के चल गई, का करना का कहली विधायक जी, का कहली है कि ये मुंह आए ना जी आए, यही तर कहा ना मुंह आए ना जी, तो हो जाई विरोध करते जाने कि हमने कहता हम खतरा के निशान पर जाता नहीं जाए,
क्योंकि हमने सुखे शब्द देवे वाला नहीं के कहीं जगह नहीं के कहाँ जाए जाए अली तो देख के गयी अब तक कह के गयी करी हाँ की ना करी हाँ क्या आश्वासन दी विधायिका ने विधायिका क्या आश्वासन दी आपको पाटा दिया जगह दिया हमने कहीं सामान धरे के जगह नहीं खे कोई के गई लिए करी हाँ कि ना करी हाँ अबू जानी हाँ तो विधायिका जी नदी नदी किनारे गई थी देखने के लिए ना किसी का घर देखी क्यों लोग तोड़ रहे हैं आखिर क्यों नहीं देखी बस कोरो डलौली नदी ना रुकल सुखरख में बैनर छपाई लल जनवरी में ओके केहू सरकार ना कान कैल सुखरख में बना गई रही तो हमने के गांव ना ढल तो हमने के बिलो बाट ना भैल रही हमने के धरती धरती गई घर द्वार गई सब हमने के संपत्ति गई हमने के कहाँ जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा महाराजपुर थाने का औचक निरीक्षण किया गया वही निरीक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के दिशा निर्देश भी उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिए गए थाना महाराजपुर में आयोजित थाना दिवस पर कानपुर जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक केवल 3 आवेदन आए हैं जिनका निस्तारण कर दिया गया है थाना दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि मुख्यालय पर कम से कम लोग पहुंचे और सबसे पहले उनकी समस्या का निस्तारण थाना स्तर पर बातचीत के माध्यम से या समझौते के द्वारा समाधान किया जा सके। देखिए अभी मेरे समक्ष तो केवल 3 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन ये थाना समाधान दिवस में हम सभी लोग इसलिए इसको निरीक्षण करते हैं, यहाँ पे शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो ताकि जिला मुख्यालय पे शिकायतें कम से कम जाएं। और निर्देश यही है कि लोगों को बुला करके जो विवाद होता है थाना समाधान दिवस में बुला करके उसका समझौते के आधार पर उसका निस्तारण करा जाए पक्षों के मध्य, ताकि अस्थायी तौर पर उसका निराकरण हो सके। लेकिन अगर कहीं पे समझौता नहीं होता है तो फिर उसको उसमें जो भी यहाँ पे प्रार्थना पत्र के आधार पे मौके पे जो भी न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है वो की जाए, निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई किया जाए ऐसे प्रकरणों में। और कोई प्रकरण अगर किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर न्यायालय से अंतिम निस्तारण होने के बाद उसका जो है निस्तारण किया जाए। अगर पक्षों में सहमति हो जाती है तो निस्तारण करा दिया जाए, ताकि पक्ष जो सहमति के फलस्वरूप जो समझौता होगा वही संबंधित न्यायालय में भी दाखिल हो जाए, तो उससे विवाद के निपटने में आसानी होगी और फिर किसी प्रकार का कोई अपराध घटित नहीं होगा। हाँ, ज्यादातर जमीनी विवाद के ही प्रकरण थाना समाधान दिवस में आते हैं, और उसमें इसीलिए यहाँ पे लेखपाल भी मौजूद होते हैं, हमारे SDM भी बैठे हुए हैं, रोस्टर बना हुआ है कि कौन किस थाने पे रहेगा। तो हम लोग इसको थाना समाधान दिवस को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जो है आयोजित करते हैं, ताकि जो हमारी जो लोगों की समस्या है वह स्थानीय स्तर पर ही उसका निराकरण हो जाए। थैंक यू। देखिए कहीं भी अगर कोई विलेज महरून होता है उसमें पानी घुसता है तो उसमें हम लोग जो भी अगर किसी का खाद्य सामग्री नष्ट होती है तो उसको खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर वहाँ पे कोई घर पानी में डूबता है, उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अस्थायी कैंप वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे उनको रखा जाता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए ANB न्यूज़।